गोवन वार्ता लाइव चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चे नोटिफिकेशन मिळवा। बदल जाय, चेंज जाय, परिवर्तन जाय। आणि हे पयात तुम्ही कोण जाणा? आम आदमी, सामान्य मनीस, गोयचो आम आदमी आज जो हांगा आयला ती परिवर्तनाची लाट घेऊन आयला। आणि ह्या लाटेन हे बीजेपीचे करप्ट सरकार आणि ही जी काँग्रेस पार्टी आणि बाकीचे पार्टी असा त्यो वाहून वतलो हाजे बद्दल दुमत ना। 3 महिन्या पहिली हांवे विचार करूं नाशिल्लो की हांव पॉलिटिक्सान भितर सरतलो, राजकारणान भितर सरतलो आणि हांव तुमच्या समोर असो उभो असतलो आज हे भाषण करतलो म्हणून। हांव एक सामान्य मनीस, एक मिडल क्लास फॅमिलीन जन्मल्लो मनीस, बाप्पाचे हॉटेल म्हणून जे फेमस असा मेरशे तांचो हांव नातू आणि अशोक सराचो हांव चलो, एक टीचराचो हांव चलो मिडल क्लास फॅमिलीतल्यान। म्हाका आज एक तुमचे कडेन प्रश्न करपाक जाय। हांगाच्या कितल्या भुरग्यांनी, हांगाच्या कितल्या पेरंट्सांनी फाटल्या 5-10 वर्सांक गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय केला? हात वयर काडात। गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय केला जाल्यार हात वयर काडात। करू ना कोणी? विश्वास ना सरकाराचेर? ना न्ही। ज्या कोणी केला, आता म्हाका एक सांगा, हांगाच्या कोणाक गव्हर्मेंट जॉब मेळा? हात वयर करात। 20 लाख जाय ते साध्या पिवनाच्या पोस्टाक आसतले। एक हात वयर सरूंक ना जेन्ना हांवें सांगले की गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय केला आणि आपल्याक जॉब मेळा म्हणून। ह्या 10-12 हजार लोकां मदीं मॅरिट्स ना? गोंयकारा भितर मॅरिट्स ना? एक्झॅक्टली 20 वर्सां पयलीं हांवें एग्जाम आन्सर केली। हांव स्टेट रँकर, आय हॅव डन माय मास्टर्स इन कॉन्स्टिट्युशनल लॉ अँड आयपीआर। हांव स्टेट रँकर आशिल्लो त्या वेळार। हांवें जीपीएससी थ्रू एग्जाम आन्सर केली। बीजेपीचे सरकार असले, पैसे मागले, त्या वेळारूय तेच चलताले। आज ओपन झाला, ज्युनियर स्केल ऑफिसराक हांव सिलेक्ट जाल्लो। पैसे मागले, दिवपाक शकलो ना, बापाय कडेन तितले पैसे नासले। त्या वेळार 7 लाख म्हणजे खूप असले। सोडले, मामलातदार पोस्टाक एप्लाय केलो, 37 घेतले। पण एक स्टेट रँकराक म्हणजे हांव तितलो गड्डो आसतलो म्हणून प्रॉबेब्ली घेवं ना। पण परत पैसे मागले, झाले ना। त्या वेळार विचार केलो की पुरो झाले हे, आणि आदवोगासीन हार्डकोर भितर सरलो। बापायन जमयल्ले थोडेशे पैसे घेतले आणि एक ऑफिस घेतले आणि हांव आज तुमच्या समोर असा। आज 22 वर्सांनी जो अमित पालेकर उभो असा तो स्वतःच्या पायाचेर उभो रावलो, कारण ही स्कॅमा तेन्नाय चलताली आणि आजूय चलत असा। एक गरीब मनीस आज तुम्ही, तुमच्या भितरले प्रत्येक, तुमच्या कडे शिक्षण असू, पैसे असू, नासू, पण तुम्ही आपल्या भुरग्यांक शिकयता आणि शिकोवपाकूच जाय। पण आजकाल पेरंट्साचो विश्वास गेला, शिकून भुरगो कितें करतलो काय म्हणटा। कारण सगळे पैसे एकठांय केल्ले, ते जर शिक्षणाचेर खर्च केले जाल्यार मागीर लाज दिवपाक पैसे खंयच्यान आसतले? आज आमच्या गव्हर्नमेंटाक लज दिसपाक जाय। सेक्स स्कॅन्डलान गुतिल्ल्या मनशाक तांणी काडलो। आमी, हांवें स्वता ही स्कॅम, जॉब स्कॅम गोंयांत चलता ताजे एक्सपोजे केल्लो। ताज्या उपरांत पीडब्ल्यूडीची जॉबां रद्द केली। पण ह्या सीएमांक दम ना, ह्या परत एकदा सांगता, ह्या सरकारान दम ना हेल्थ मिनिस्टराक सांगपाक की तुमची जॉबां रद्द करपाक जाय। आसा दम? आसा? एक्झॅक्टली, दम ना। आशिल्लो जाल्यार जर 2 मिनिस्टरांक जर सांगू शकता की तुमची पदां रद्द केल्या, एकट्याक रिझाईन करपाक लायलो, जाल्यार त्या चौथ्या तिसऱ्या मिनिस्टराक, जाणे आज जीएमसी भितर, जाणे आज आयपीएचबी, फूड अँड ड्रग्स, हेल्थ,
सर प्रत्येक जे डिपार्टमेंटाचे अंडर असा ती स्कॅमा असा प्रूफा सहित आम्ही दाखवून दिली. त्या मनशाक ताणें रिझायनूय जा म्हणून सांगलो ना आणि त्या मनशाक ताणें जॉबा कॅन्सलूय करचें म्हणून सांगले ना. एकाचे विजिलन्स इन्क्वायरी करपाक लागल्या. हाजो अर्थ हो सरकार करप्ट प्रॅक्टिसांनी गुंतला. मिडल क्लास बारीक मनीस प्रत्येक गोंयकार आज सोपला ह्या स्कॅमा भितर. कोविडाच्या टायमार स्कॅम केलो, लोक मरताले ऑक्सिजन ऑक्सिजन करून. आम्ही स्वतः व्हॉलंटियर असतालो, आम्ही महिनोभर जीएमसीन दीस रात काम केला. आमच्या हातान मनीस मरताले, आमच्या व्हॉलंटियरांच्या हातान मनीस मरताले फक्त ऑक्सिजन ऑक्सिजन करून. ऑक्सिजनाचो अभाव नासलो पण ऑक्सिजना भितरूय स्कॅम असले. तातूंत बडलो बरो व्हडलो एक स्कूप आसलो. तो स्कूप कितें तो ताका बरो कळटलो. एन आय से स्कूप. आनी असेंब्लीच्या फ्लोरार आमचो सीएम आणि आमचो हेल्थ मिनिस्टर सांगता की ऑक्सिजना खातीर गोयांत एकलोय मनीस मरूंक ना. हाज्या पेक्षा व्हडली फटींगपणां ना. आमचे कडेन व्हिडिओ आसा, आमचे कडेन प्रूफ आसा, आनी आमच्या हातान मनीस मेल्लो आसा. ह्या इतल्या सगळ्या गोष्टीन जर गोंयकारांक ह्या सरकाराचो राग येना जाल्यार ते बरोबर आसा. कारण सरकार चित्ता की आमी गोंयकार लज नाशिल्ले म्हणून. चित्ता काय ना? एकदा तरी तुम्ही काळजातल्यान मत दिला, एकदा तरी तुम्ही तुमची तकली लावून मत दिला. पण आज म्हाका दिसता लोक हळूहळू भायर सरता आणि सरकाराक ते रॉंग ठरयतले, दाखवून दितले की गोंयकार लज नाशिल्लो न्ही. आमच्या शेजारी, आमच्या घरान, आमच्या फोनाच्या रेकॉर्डातले आमच्या प्रत्येक खंयचो तरी जाणकार मनीस कोविडा टायमार गेलो आणि त्या वेळार सुद्धा सरकार करप्शन करतालो. आज करप्शनाचोच सरकार चालू असा. आणि आज आम्ही पळयला डबल इंजिन, डबल इंजिन म्हणतात पळय, डबल इंजिन गव्हर्नन्स. कसलो डबल इंजिन? आज तुमच्या फाटल्यान ज्यो बोगीज असा त्यो थोड्यो काँग्रेसाच्यो, थोड्यो एमजीच्यो, थोड्यो इंडिपेंडंट. म्हणजे ते धुता म्हणताले पळय. हांवें फाटले फाटी म्हणिल्ले की ह्या सरकाराक धुवपाक वॉशिंग मशिनाची गरज ना. ह्या सरकाराक धुतलो जाल्यार हो आम आदमीचो पार्टीचो जो हातूच आसा पळय तो पुरो आसा. आनी हे जावपाक जाय, आनी हे जावपाक जाय घडटले. तुमचे हातूच आणि तुमचे बोट जेन्ना ह्या झाडूच्या कुशीकचो बटन दामतले पळय तेन्नाच हे सरकार साफ जातले. हांव एक आदवोगाद, 22 वर्सां हांवें क्रिमिनल प्रॅक्टीस केली आनी म्हाका खबर आसा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कशें खोडून काडपाचें, कशें करपाचें तें. एक गोश्टीची तुमकां आज हांव गॅरंटी दिता, जेन्ना आमचो सरकार येतलो. हांव जेन्ना जॉयनिंगाक गेल्लो ती गजाल तुमकां सांगता. केजरीवाल सरान म्हाका एक गोश्ट विचारली. आमी म्हणपाक लागले इमानदारीची पार्टी, आम आदमी पार्टी ही इमानदार पार्टी, आमचो इमानदारीचो सरकार आसा. इमानदारीन सरकार करपाक, लिडर जावपाक जर इच्छा ना जाल्यार आयजूच तिकेट काड आनी परत वच म्हणून. ही आसा आम आदमी पार्टी, ही आसा केजरीवालांचे सरकार आनी ही आसा आम आदमी पार्टीचे प्रॉमीस. आनी हे प्रॉमीस दिसताना तुमकां एक गजाल सांगता. आमचो प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो 2 दिसां पयली. गोंय इतले सुंदर, गोंय इतले सोबीत गोंयकारांक फटी मारून गेलो कारण ताका प्रोबेबली फटी मारले आसतली आमच्या प्रत्येक लिडर्सान, प्रत्येक सीएमान आणि आमच्या प्रत्येक मिनिस्टरान. ताणें थंय पोर्ट आग्वादा जेलीचे उक्तावण केला, ते एक मोठे करप्शनाचे ठिकाण. पण आयज सर आमचे म्हणटा तशे हम जो कहते है वो करके दिखाते है. हांव मातसो फुडें वता. हांवें लास्ट टायमूय म्हणिल्लें आनी आजूय म्हणटा, हांव सलमान खाना सारको दिसना पूण सलमान खानाचो एक डायलॉग वापरता आज. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. आनी हांव जेन्ना हें सांगता तेन्ना तुमकां एक गजाल सांगूं सोदता. ह्या जेलीच्या उक्तावण्यांक जे आमचे सीएम आनी बाकीचे लोक आशिल्ले, आमी सरकारान आयल्या उपरांत पुलिसांक बरोबर घेवन, एसीबीक बरोबर घेवन, विजिलन्साक बरोबर घेवन, जे आज मूक गिळून गप्प आसा सगळे प्रूफ दिला आसतनाय, तांचे कडल्यान स्वतः हांव इन्वेस्टिगेट करून घेतलो, तुमचे पयशे परत दितलो
आणि हांका जर जेलीन नवे टूथपेस्ट टूथब्रशा बरोबर आणि साबू देऊन ह्याच जेलीन धाडले ना तर माझं नाव दुसरे दरात. देव बरे करू, गोय बदलूया, परिवर्तन हाडूया आणि एक नवे गोय घडूया. मोग असुनी एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे. सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे. आज गोवा के कोने कोने से आए हुए इतनी भारी संख्या में भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार. कसे आशात तुम्ही? मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को राजनीति बिल्कुल समझ नहीं आती और गोवा की पॉलिटिक्स तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती. कल मैं कहीं बाहर गया था, जब मैं फ्लाइट में बैठा तब तक गोवा में कांग्रेस के 3 MLA थे. जब मैं फ्लाइट से नीचे उतरा तब तक 2 रह गए थे, 1 बिक गया था. आप लोगों ने कांग्रेस को 17 MLA दिए, 17 MLA. 5 साल पहले गोवा के दुकान में स्टॉक में 17 MLA थे, 15 बिक गए, 2 बचे हैं. 2 महीने का टाइम है, लास्ट स्टॉक, थोड़ा सा स्टॉक बचा है, मार्च में फ्रेश स्टॉक आएगा. अभी हैवी डिस्काउंट है, लास्ट स्टॉक जो लेके जाना चाहे लेके जा सकता है. ये कांग्रेस का हाल है, सही है ना? आज मैं जब आया फ्लाइट में, मेरे बगल में एक गोवा का आदमी बैठा था, उससे बातचीत होने लगी तो बोलता है, सर गोवा में अभी जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने अपने कैबिनेट में चुन चुन के उन्होंने हीरे भरे हुए हैं, एक एक हीरा है. मैंने कहा कैसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं. उसने कहा कि एक मंत्री है, उसने सेक्स स्कैंडल किया, उसे रिजाइन करना पड़ा. कौन है वो? जोर से बताइए कौन है वो. तो वो गलत तो नहीं कह रहा? उसने कहा सर एक और मंत्री है, जो अभी कोरोना जब हुआ वो लोगों की मदद नहीं कर रहा था, वो वेंटिलेटर स्कैम कर रहा था, वो ऑक्सीजन का स्कैम कर रहा था, वो दवाइयों का स्कैम कर रहा था. ये दूसरा मंत्री है, कौन है वो? उसने कहा सर एक तीसरा मंत्री है, वो गोवा के युवाओं को नौकरी देने के लिए 20-20 लाख रुपए लेता है, बच्चों को नौकरी देने के लिए. उसका क्या नाम है? उन्होंने कहा एक MLA है, उसके ऊपर माइनर्स को रेप करने का, छोटे छोटे बच्चों को रेप करने का चार्ज लगा हुआ है. उसका क्या नाम है? जोर से बोलिए जरा, आवाज उनके घर तक जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कितने शानदार हीरे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं. उसने कहा मटका किंग तो इतने सारे भरे हुए हैं इनकी कैबिनेट के और इनके MLA के अंदर. एक और है मंत्री इनका, उसने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर किए दे दिया. उसका क्या नाम है? एक और है मंत्री, उसने पावर स्कैम किया. एक और है मंत्री, उसने लेबर स्कैम किया. एक और है मंत्री, उसने तो कचरे का स्कैम कर दिया, गार्बेज स्कैम कर दिया. और उनका किंग ऑफ किंग है, आजकल कहते हैं कि 2.5 साल के अंदर भाट
कर इतना बड़ा कोई नहीं बना 2.5 साल के अंदर जितना बड़ा वो बन गया। दोस्तों, गोवा इज अ फर्स्ट क्लास स्टेट विद एब्सोल्युटली थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, गोवा के लोग बहुत ईमानदार हैं, गोवा के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस बहुत खराब हैं। आई थिंक गोवा डिजर्व्स मच बेटर पॉलिटिशियंस। 1961 में गोवा लिबरेशन हुआ था। पिछले 60 साल के अंदर 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 27 ईयर्स। 15 साल बीजेपी ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन पार्टियों ने करप्शन के सिवा आपको कुछ दिया? आपकी सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, बिजली दी, पानी दिया, कुछ दिया इन लोगों ने 60 साल के अंदर? 27 साल कम नहीं होते, 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया, 15 साल बीजेपी ने राज किया, कोई कम नहीं होते। दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर चमत्कार करके दिखा दिया। इन लोगों से 60 साल के अंदर इन्होंने पैसा लूट तो पता चलता है ये इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया। अभी तक गोवा में चुनाव जीतने के बाद एमएलए बिका करते थे, इस बार पहली बार गोवा के अंदर कैंडिडेट्स बिक रहे हैं, बाजार में बैठे हैं कैंडिडेट्स, बोली लग रही है कैंडिडेट्स की, नीलामी हो रही है कैंडिडेट्स की, रोज सुनने में आता है, चारों तरफ अफवाहें फैली होती हैं, ये कैंडिडेट 10 करोड़ में बिक गया, ये कैंडिडेट 15 करोड़ में बिक गया। अभी कैंडिडेट्स बिक रहे हैं और जीतने के बाद फिर ये बाजार में आके बैठ जाएंगे, अब एमएलए बिक रहे हैं, उसके बाद एमएलए बिकेंगे। ऐसा गोवा चाहिए आप लोगों को? इसे बदलना है कि नहीं बदलना है? मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे काम करना आता है, मुझे दिल्ली से प्यार है, मुझे गोवा से प्यार है, मुझे मेरे देश से प्यार है। हम देश के लिए काम करेंगे, गोवा के लिए काम करेंगे, हम दिल्ली के लिए काम करेंगे। इसलिए आज मैं आप सब लोगों के लिए, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें एमएलए नहीं खरीदने, हमें कैंडिडेट्स नहीं खरीदने, आज मैं आप लोगों के लिए गोवा के डेवलपमेंट का प्लान लेके आया हूं, आप लोगों के साथ मिलके बनाया है गोवा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आप लोगों के साथ मैं पिछले 4-5 महीने में कई बार गोवा आया, गोवा के लोगों से मिला, उसके बेसिस पे हमने ये प्लान बनाया है। सबसे पहले पूछना चाहता हूं, 27 साल गोवा के ऊपर कांग्रेस ने राज किया, क्या उन्होंने आपको करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी? 15 साल एमजीपी ने राज किया, क्या आपको उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी? 15 साल बीजेपी ने राज किया, क्या आपको उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी? आम आदमी पार्टी गोवा की पहली करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएगी गोवा के अंदर, द फर्स्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑफ गोवा। There will be absolutely no corruption. 22,000 करोड़ का बजट है गोवा का, 22,000 करोड़ कम नहीं होते, 22,000 करोड़ ह्यूज मनी। गोवा में पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है गवर्नमेंट के पास। ये कहां जाता है 22,000 करोड़ रुपया? इनकी जेब में जाता है, सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग। अब एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा, एक एक पैसे से आपका हॉस्पिटल बनेगा, आपके स्कूल बनेंगे, आपकी सड़क बनेगी, आपकी बिजली बनेगी। एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे हम लोग, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे। There will be zero tolerance to corruption in Goa। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए, डू यू वॉन्ट करप्शन फ्री गो? हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। अभी पावर कट लगते हैं गोवा में,
दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी 2015 में दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे, हमने दिल्ली में पावर कट बंद कर दिए। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, गोवा के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी 24 घंटे बिजली देंगे। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए 24 घंटे बिजली? नो मोर पावर कट्स इन गोवा। दिल्ली के अंदर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री में बिजली मिलती है। आपको यकीन नहीं होगा मैडम, अभी 3-4 दिन पहले मेरे घर पे आई थी दिल्ली अलीना जी, मुझसे बात कर रही थी। मुझे बोलती है कि सर आप कहते तो हैं कि दिल्ली में जीरो बिजली के बिल आते हैं, एक्चुअली होता है क्या? ये चमत्कार है, ये मैजिक है, ये केवल आम आदमी पार्टी को आता है और किसी पार्टी को नहीं आता। ये हमारे पास इसका कॉपीराइट है, किसी पार्टी को नहीं आता जीरो बिजली, 24 घंटे जीरो बिजली के बिल देना। अगर आपके दिल्ली में कोई दोस्त यार रिश्तेदार हैं, पहले उनसे फोन करके पूछना कि भाई आपके जीरो बिजली के बिल आते हैं? अगर वो कहे आते हैं तो गोवा में मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को गोवा में वोट मत देना। अब आप मुझे बताइए, गोवा में बिजली के बिल जीरो होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जरा हाथ खड़े, जिस जिसको जीरो बिजली के बिल चाहिए हाथ खड़े कर दीजिए। ये जरा कैमरे वाले जरा इनको दिखा दीजिए, सब लोगों को गोवा में जीरो बिजली के बिल चाहिए, घुमा दीजिए कैमरे का। ये मंत्री नेता मुझे गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, जो जनता कहेगी हम तो वही करेंगे। जनता कह रही है फ्री बिजली चाहिए, फ्री बिजली देंगे। मेरे पास अभी, मैं पिछली बार जब आया था, कुछ लोग अपने गोवा में बिजली के बिल लेके आए, बोले सर ये देखिए इन्होंने जानबूझ के गलत बिल बनाते हैं ये लोग। एक आदमी का 20,000 रुपए का बिल था, उसका छोटा सा घर है, एक टीवी एक फ्रिज एक, बोला मेरा 20,000 का बिल कैसे आया? झूठे बिल बनाते हैं और फिर ठीक कराने जाओ तो पैसे मांगते हैं, होता है कि नहीं होता ऐसे? इसलिए हमने तय किया है हम सिस्टम को ठीक करेंगे। एक तरफ आपके जीरो बिजली के बिल आएंगे और जितने पुराने झूठे बिजली के बिल हैं वो सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, आपके जीरो कर दिए जाएंगे। दस साल हो गए माइनिंग को बंद हुए, 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, 10 साल में बीजेपी माइनिंग शुरू नहीं कर पाई। अब अगर 10 साल में नहीं कर पाई तो अगले 5 साल में भी ये नहीं कर सकते, इनके बस की बात नहीं है, इनको माइनिंग शुरू ये करेंगे ही नहीं। इनकी नीयत खराब है, कांग्रेस की और बीजेपी वालों की नीयत खराब है। आम आदमी पार्टी 6 महीने के अंदर सरकार बनने के माइनिंग शुरू करेगी, लेकिन जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती, जितने माइनिंग फैमिलीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हर परिवार को हर महीने 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतने सारे लोग बैठे हैं यहां पे, आप में से बेरोजगार कौन कौन है जरा हाथ खड़े करिए। जो जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आपको बीजेपी ने नौकरी नहीं दी, कांग्रेस ने नहीं दी, हम देंगे, हम आपको नौकरी देंगे। दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है हम लोग, हमारी सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी है। गोवा में भी नौकरी देंगे, हमें देनी आती है। ये लोग तो 20-20 लाख रुपए मांगते हैं नौकरी देने के, हम फ्री में नौकरी देंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 11 मार्च को आप सब लोग आ जाओ और बोलो जी नौकरी दीजिए। एक दिन में तो मिलने वाली नहीं है, टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा, लेकिन उसका भी इंतजाम किया है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक आपके खर्चे पानी के लिए हम 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां पे इतने सारे लोग हैं, अच्छा अयोध्या कौन कौन जाना चाहेगा फ्री में? अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए कौन कौन जाना चाहता है? फ्री में भेजेंगे।
वेलंकनी कौन कौन जाना चाहता है? वेलंकनी चर्च में दर्शन करने के लिए कौन कौन जाना चाहता है? वो बच्चा सबसे पहले जाना चाहता है। अजमेर शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? अभी आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन कर रही है, सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लो, सबको भेजेंगे। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली से 2 ट्रेन अयोध्या गई हैं, एक एक ट्रेन में 1,000 लोग थे, 1,000-1,000 2 ट्रेन गई हैं अयोध्या, एसी ट्रेन फ्री में, वहां पे एसी होटल में रहने का इंतजाम किया फ्री में, आना जाना खाना पीना रहना घूमना सब फ्री। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज दिल्ली में हम 38,000 लोगों को, 38,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा चुके हैं, अलग अलग, शिरडी भेजते हैं, अयोध्या भेजते हैं, वेलंकनी भेजते हैं, अजमेर शरीफ भेजते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन। आज मैं देख रहा हूं महिलाएं बहुत सारी आई हैं, हमारी माँ बहनें बेटियां बहुत सारी बैठी हुई हैं। कैसे हैं आप लोग? महिलाएं कैसी हैं? जो जो महिलाएं वर्किंग नहीं होती, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, माँ है, बुजुर्ग है, उनको अपने रोजाना खर्चे के लिए अपने पति से पैसे लेने पड़ते हैं, अपने पिताजी से। तो हर महीने 1,000-1,000 रुपए मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए गवर्नमेंट से? जो जो महिलाओं को 1,000-1,000 रुपए चाहिए हाथ खड़े कर दीजिए। हर महिला को 1,000-1,000 रुपए देंगे और जो गृह आधार का आपको 1,500 रुपया मिलता है उसको बढ़ा के हम 2,500 रुपया करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले ये गालियां दे रहे हैं हम लोगों को। जब से मैंने ऐलान किया कि मैं हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000-1,000 रुपए दूंगा, ये बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी, तुम इतने 1,000 करोड़ रुपए खा गए। ये कहते हैं महिलाओं को 1,000-1,000 रुपया देंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। गोवा का खजाना किसने खाली किया? इन नेताओं ने खाली किया, इन पार्टियों ने खाली किया। हमारी मां बहनों बेटियों को 1,000-1,000 रुपए महीने मिलेंगे, उससे खजाना खाली नहीं होगा, उनके आशीर्वाद से गोवा की तरक्की होगी। अभी थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार के, सेंट्रल के, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े नेता आए थे थोड़े दिन पहले, आके उन्होंने मेरे को खूब गालियां दी। कहते केजरीवाल हर चीज फ्री 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 फ्री, हर चीज फ्री करता है। मैं उन नेताजी से पूछना चाहता हूं, नेताजी दिल्ली में जो आपका मकान है उसकी बिजली फ्री है कि नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेताजी आपका सारा ट्रांसपोर्ट, कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन सब फ्री है कि नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेताजी आपको जो दिल्ली में मकान मिला हुआ है वो फ्री है कि नहीं है? मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं, आपको जो पानी आपके घर का है वो फ्री है कि नहीं है? प्रमोद सावंत के घर का पानी, बिजली, घर फ्री है कि नहीं है? सारे मंत्रियों का फ्री है कि नहीं है? इनको फ्री मिले तो ठीक है, इनको एक एक मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है, 4,000 यूनिट बिजली हर महीने। और मैं गोवा के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है? ये तो सही नहीं है। जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो सारी सुविधाएं हम जनता को फ्री देंगे। हम आम आदमी को खास आदमी बनाएंगे। इनको क्यों मिर्ची लग रही है? ये क्यों कहते हैं फ्री 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 नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर हमने जनता को फ्री देना शुरू कर दिया तो पैसा लूटने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचेगा।
जो पैसा ये लूटते थे, जो पैसा इनकी जेब में जाता था, वो पैसा अब जनता की जेब में जाना शुरू हो जाएगा। अभी जब कोरोना हुआ, गोवा में तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। जब कोरोना हुआ, एक पार्टी तो लूटने में लगी हुई थी, वेंटिलेटर पे लूट रही थी, ऑक्सीजन पे लूट रही थी, दवाइयों में लूट रही थी। दूसरी पार्टी घर बैठी थी, केवल आम आदमी पार्टी थी जो आपके घर घर जाके राशन बांट रही थी आप लोगों के। राशन मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? राशन बांटा कि नहीं बांटा आम आदमी पार्टी ने? हमने वोट के लिए नहीं किया। हम जब राशन बांटने के लिए आपसे, हमने ये नहीं कहा वोट देना, हमने इंसानियत के नाम पे, अपनी ड्यूटी के नाम पे आपको राशन बांटा। अगर मुसीबत में हम काम नहीं आएंगे आपको तो क्या फायदा है? एक ही पार्टी है जो जनता का, जनता की सेवा करती है। ये जो आने वाले चुनाव हैं, इसमें हमें केवल पार्टी नहीं बदलनी, चेहरे नहीं बदलने, इस बार पूरे के पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। इस बार हमें पूरा का पूरा सिस्टम बदलना है। सारे एमएलए को हरा दो, सारे मंत्रियों को हरा दो, मुख्यमंत्री को हरा दो, पूरा सिस्टम बदल दो। इस बार आम आदमी को सत्ता देनी है, आम आदमी सत्ता के अंदर आए। इस बार कट्टर ईमानदार सरकार बनानी है हम लोगों को। ये जितने हमारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जितने हमारे नेता बैठे हुए हैं, इनमें मैक्सिमम को राजनीति करनी नहीं आती। ये हेंजल है, ये एक कारपेंटर है, स्नेक कैचिंग करता है। अभी एक साल पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 10,000 रुपए में चुनाव जीत गया। एक साल हो गए इसको जिला परिषद का काम करते हुए, अभी तक एक पैसे की चोरी का आरोप नहीं लगा इसके ऊपर, एक भी पैसा इसने हेरा फेरी नहीं किया इसने। ये सिसिल है, ये एक हाउसवाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है इसका। इसे क्या जरूरत थी गली गली धक्के खाने की? इसे राजनीति करनी नहीं आती, इसके दिल में गोवा बसता है। ये दिल से लगी हुई है, क्योंकि ये दिल से चाहती है कि मेरे गोवा का सुधार होना चाहिए। ये अमित लॉयर है, राहुल सीए है, रामाराव वाघ जी एक प्रोफेसर हैं, उनके भाई होते थे विष्णु वाघ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहते थे शेर दहाड़ता है जब वो बोलते थे। हर आदमी हमारा एक आम आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है। इस बार आम लोगों को हमें जिताना है और सारे नेताओं को उखाड़ के फेंकना है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि जी क्या गारंटी है कि आपके एमएलए बिकेंगे नहीं, है ना? मन में आता है कि नहीं आता है? तो हमारा हर कैंडिडेट चुनाव के पहले एफिडेविट साइन करेगा और आपको उसकी कॉपी बांटेंगे हम एफिडेविट की, कि मैं अपनी पार्टी नहीं बदलूंगा, अगर मैं पार्टी बदलूंगा तो आप मेरे ऊपर केस कर देना। तो अगर वो पार्टी बदलता तो आप उसको कोर्ट में ले जाना, आप उसके ऊपर केस कर देना। चाबी हम आपके हाथ में दे रहे हैं, हम अपने पास कोई चाबी नहीं रख रहे। तो दोस्तों, 15 साल आपने एमजीपी को मौका दिया, 15 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, 27 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया, 5 साल हमें भी देके देख लो, क्या बुराई है? अगर हम 5 साल में काम ना करें तो हमें उखाड़ के फेंक देना। मैं अगर 5 साल में हम काम ना करें, मैं दोबारा वोट मांगने के लिए अगली बार आपके पास नहीं आऊंगा। दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था और आज देखिए दूसरा मौका दिया, फिर तीसरा मौका दिया उन्होंने, 3 बार उन्होंने मौका दिया और इतनी सीट देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का सफाया हो गया दिल्ली से। अब देखिए कांग्रेस तो खाली हो गई है, उनके पास तो कोई नेता नहीं बचा शायद। कौन कौन बचा उनकी पार्टी में? एक दिगंबर कामत बचे हैं, वो भी सुन रहे हैं बीजेपी में जाने वाले हैं, और एक राणे साहब बचे हैं, और तो कोई नेता नहीं बचा उनके। सारे कांग्रेस खाली, उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं बचे, सारा खाली है। तो अब कांग्रेस
खाली हो गई है। बीजेपी से लोग नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं कि बीजेपी बहुत करप्ट हो चुकी है, बीजेपी ने धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी इज द ओनली होप। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखिए, एक चांस आम आदमी पार्टी दिया। जय हिंद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे।